बोलिएगा हर हर महादेव। नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू पाठशाला में। सबसे पहले खास अपडेट के लिए बने रहिए, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है ऑफिशियल अपडेट्स और सही सबसे सटीक जानकारी। दोस्तों आप सभी को पता है, अभी इसके पहले जस्ट एक वीडियो दिया गया है जिसमें आपको बताया गया कि फाइनली बीएचयू की तरफ से एक मैसेज आपके मोबाइल पर जा रहा है, जो नंबर आपने अपने यूटी फॉर्म में सबमिट किया था, फिलअप किया था। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास तुरंत आने लगे कि सर क्या ये मैसेज मुझे नहीं मिला तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, या इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये मैसेज जब आ गया तो आगे क्या करना है। इन तमाम बातों को हम लोग इस एक वीडियो में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और चैनल पे बने रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपका साथ देने वाले हैं पूरे काउंसलिंग मेला, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, मतलब एकदम लास्ट तक। कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप साथ में बने हुए बीएचयू पाठशाला के, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो कॉल लेटर है ये आपको कहां मिलता है, बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल पे। आपको वेबसाइट जो है वो जो चेक करना है आपसे, कौन सा वेबसाइट है, बीएचयू ऑनलाइन, यहाँ पे मेंशन है, ध्यान से सुन लीजिए इसको। और ये देखो काउंसलिंग पोर्टल यहाँ पे है, काउंसलिंग पोर्टल 2020। अभी ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये अपडेट होकर 2021 हो जाएगा। जैसे ही ये अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा कि फाइनली आपका काउंसलिंग पोर्टल अपडेट हो गया। स्क्रीन पे जो आपको एक मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज तमाम बच्चों को मोबाइल पे जा चुका है। जिनको नहीं गया है, अगर वो फोर टाइम्स, देखो सीट का फोर टाइम्स बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, यानी किसी भी कोर्स में आपका जो कट ऑफ बन रहा है, जितने बच्चे वहां पर पढ़ने जाने हैं उसके फोर टाइम्स काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने हैं, तो ये मैसेज उन सभी बच्चों को जा रहा है जो उस फोर टाइम्स नंबर में आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लेट भी जा सकता है, इसीलिए ध्यान देना कि जो मैसेज है वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जब काउंसलिंग पोर्टल अपडेट हो जाएगा और यहां पे क्लिक करते ही जब आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, वहां पे जब अपना आईडी पासवर्ड आप डालोगे, उसके बाद आपका जो कॉल लेटर डाउनलोड किया जाएगा वो फाइनली आपका काउंसलिंग प्रोसीजर का पहला स्टेप होगा। ये जो मैसेज आया है, अगर आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आ गया है तो एकदम श्योरिटी है कि फाइनली आप काउंसलिंग के लिए बीएचयू में जा रहे हो। और जिनका नहीं आया है, अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स अच्छा है और मुझे भी बुलाया जाना चाहिए, तो आप कॉल लेटर का इंतजार करो, जरूर आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा और फाइनली आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाओगे। ये मैसेज का मिलना कतई आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करता है, बट आपका मैसेज मिलना पहला स्टेप पूरा करता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनो कि सेकंड स्टेप क्या होगा। यहां पे अभी पोर्टल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये बीएचयू 2021 अपडेट होगा। फिर यहां पे अब अपना आईडी और डेट ऑफ बर्थ, मतलब एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करोगे। यहां पे जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते हो तो ढेर सारे डैशबोर्ड बन जाएंगे। उस डैशबोर्ड में आपका पूरा एक कॉल लेटर का रहेगा, एक आपका फीस पेमेंट का भी रहेगा। कम से कम 4 से 5 डैशबोर्ड बनेगा जो कि अपडेट होते मैं आपको बताऊंगा। एक एक डैशबोर्ड का यूज अलग अलग समय पर करना रहता है। पहला डैशबोर्ड जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग का है वो आपको डाउनलोड करना रहता है, उसको प्रिंट आउट निकालना रहता है और उसमें दिए गए टाइमिंग पे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके आने रहते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको वो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी कर लेने हैं, ओके। और हाँ ध्यान देना है कि आपको जितने वीडियो जा रहे हैं उस वीडियोस को देखना है, एकदम लास्ट तक देखना है, किसी वीडियो को छोड़ना नहीं है। और एक बात और है, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बच्चे सजेस्ट कर रहे थे कि सर काउंसलिंग हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ हमारे से गलती हो गया तब क्या करें। ऐसे में बीएचयू पाठशाला बहुत जल्द काउंसलिंग हेल्पलाइन स्टार्ट करने जा रहा है ऑनलाइन बेसिस पे। उसका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा और उसका हेल्पलाइन नंबर अलग से दिया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, क्योंकि इतनी सारी लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसीलिए हम आपको एक ग्रुप का लिंक और एक न्यू हेल्पलाइन डेस्कलाइन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर दे रहे हैं, उस पर आप लोग अपनी इंक्वायरीज को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोग यहां पे कुछ साइबर वाले से भी बात की है, कोशिश करेंगे कि वो साइबर वाले भी आपकी मदद कर पाए, जिनको एकदम ऑनलाइन पे कुछ नहीं समझ में आता है उनके लिए, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको मेंशन कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, परेशान नहीं होना है, बाकी मुस्कुराती रहिए और चैनल पे बने रहिए खास अपडेट के लिए। और अगर आपको ईमेल आ गया तो ईमेल भी आ सकता है, ध्यान देना। और आपको मैसेज आ गया है तो कमेंट्स में बताइए कि किसका किसका मैसेज आ चुका है, ओके। बाय बाय, हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। बाय बाय।